स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम बात करेंगे BHU CHS 11th एंट्रेंस के बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर की, जिसमें 25 क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे कंप्लीट एक पेपर के अंदर बायोलॉजी के पोर्शन से आते हैं। ये सारे क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 9th और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे 76 से, बट आप इसको 1 कंसीडर करेंगे और जाएंगे 100 तक, 25 आप कंसीडर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए कि कूफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो कूफर सेल्स जो होते हैं वो आपके लीवर में पाए जाते हैं। लीवर के जो सेल्स होते हैं उसमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं, कूफर सेल्स। ऐसे हम लोग लीवर को हिपैटिक सेल्स भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं हिपैटिक सेल्स। किडनी की बात करें, किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग रीनल सेल्स। ब्लड में आप सभी जानते हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। हार्ट के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है कार्डियक। अगर हम हार्ट से रिलेटेड सेल्स की बात करते हैं तो कार्डियक सेल्स बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं। पेसमेकर जो होता है वो होता है कि हार्ट को पंपिंग करवाने वाला ऑर्गन, पंपिंग करवाने वाला संसाधन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेसमेकर। आजकल आर्टिफिशियल पेसमेकर भी यूज किए जाते हैं एक पॉइंट के तौर पे। हम बात करते हैं अभी पहले पेसमेकर, जो इसका आंसर है वो है SA नोड। इसको बोलते हैं हम लोग साइनो ऑरिकुलो या ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये कहां पे होता है। अगर आप नॉर्मल हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो आप यहां पर इस पार्ट पे, मतलब ये कि राइट ऑरिकल के अपर पार्ट पे होता है आपका SA नोड। ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है पूरे हार्ट को, जिससे कि हार्ट हमारा प्रॉपर पंपिंग कर पाता है। दूसरा है आपका AV नोड। AV नोड जनरली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में होता है, यहां पे होता है आपका AV नोड। ये भी हेल्प करता है हार्ट के पंपिंग करवाने में। दूसरा हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिस। ये क्या है भाई। ये होता है आपके लिए मसल्स स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, जो कार्डियक मसल्स ओरिजिनेट करते हैं सिग्नल को। तो इसलिए हम बोलते हैं मसल्स स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा पुर्किंजे फाइबर, जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर काम करता है। ये सभी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक नॉर्मल हार्ट के प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेसमेकर। तो पेसमेकर ऐसे नोड होता है जो कि अब के रेट में आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बटन की तरह चीरा लगा के लगाया जाता है, जो कि ऐसे नोड के जस्ट ऊपर, एट्रियम या ऐसे नोड के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, बटन शेप में होता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर से बैटरी वे उसमें लगाना पड़ता है, और इस तरह से होता है ये। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए। किस कोई आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो शादी करता है AB ब्लड ग्रुप वाले महिला से। तो मैन जो है वो ब्लड ग्रुप ए है,
महिला का ब्लड ग्रुप है ए बी। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ प्रोजेनी ब्लड ग्रुप इंडिकेट्स दैट मैन इज नॉट होमोजाइगस। बच्चा कौन सा बच्चे का ब्लड ग्रुप ये पता करके बताएगा कि जो मैन है वो होमोजाइगस नहीं है। मतलब होमोजाइगस नहीं है इसका मतलब क्या है? हेटरोजाइगस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसका जीन हम बनाए जीनोटाइप तो हम लिख सकते हैं आई ए आई बी, ये हेटरोजाइगस है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा है कि ये नॉट होमोजाइगस हो, तो होमोजाइगस नहीं हो मतलब कि हेटरोजाइगस। इसका हेटरोजाइगस कैसे बनता है तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा ये होता है आपका आई ए आई ए जो कि होमोजाइगस है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे नॉट होमोजाइगस, मतलब ये कि हम बात करेंगे ए नॉट एंड आई ए एंड आई नॉट आई नॉट। अब यहाँ पे ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, इसको लेना है हमको। तो पूछ रहा है कि बच्चा का कौन सा ग्रुप ये हमको बताएगा कि फादर जो है वो होमोजाइगस नहीं थे। तो हम इसका क्रॉस करा देते हैं सिंपल। अब यहां से हम नोट कर सकते हैं आई ए और आई ए, तो क्या बनेगा यहां पे ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि भाई फादर यहां पे भी अगर आ जाए तो ये होमोजाइगस हो सकता है। दूसरी बात करते हैं आई ए और आई बी, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। इससे भी ये पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप जो है वो फादर का होमोजाइगस हो सकता है। तो यहां बात करते हैं हम लोग, तो क्या होगा ए ब्लड ग्रुप आएगा। तो ए ब्लड ग्रुप तो यहां से ए और यहां से आई आने पर भी और ऊ आने पर भी, दोनों आने पर ही ये ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। इसलिए इससे भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि फादर जो है वो होमोजाइगस है। लेकिन बी आपके पास यहाँ पे सिर्फ है और यहाँ पे अगर नॉट ले लेते हैं हम लोग तो ये बी ब्लड ग्रुप बनाएगा जो कि ये बताता है कि फादर होमोजाइगस नहीं था, हेटरोजाइगस ही था, तभी बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा बी। ओके, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70S type ribosomes are found in, ध्यान दीजिएगा 70S type, ये क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत बच्चे कर सकते हैं। 70S type पढ़ते हैं हम लोग कहाँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं 70S type, बट और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S type। बट आपको ये पता होना चाहिए कि 70S type जो क्रोमोजोम्स राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, यहां पे सेल में पाए जाते हैं। साथ साथ अगर यूकैरियोटिक कोई सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, उसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। इन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाता है वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया, प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में एंड यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो फिर ये क्या होगा आपका आंसर, बोथ आर करेक्ट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन, लिग्निन कहां पाया जाता है। लिग्निन एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि पाया जाता है जनरली स्क्लेरेन्काइमा में। ध्यान दीजिएगा लिग्निन जो कि स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा जो कि एक तरह का परमानेंट टिश्यू है जो कि आपको बॉडी को सॉरी प्लांट के बॉडी को टफनेस प्रोवाइड करता है। यहां पर जाइलम टिश्यू इसमें लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता है, फ्लोएम टिश्यू इसमें नहीं होता है, कॉर्टेक्स में नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या बचा, नन ऑफ द एवव। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। निम्नलिखित में से आत्महत्या का बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो पहला है सेंट्रोसोम जो हेल्प करता है एनिमल सेल के डिवीजन में, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है मीजोसोम्स,
लीजोसोम्स क्या है, तो ये आपको सेल के मतलब कि सेल में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक तरह से सेल ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट है राइबोसोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो बचा हमारे पास ऑप्शन लाइसोसोम, इसे बोलते हैं आत्महत्या की शैली। क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम का नेचर होता है किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना। बट कभी कभी क्या होता है कि सेल में खुद के मतलब सेल में सेल के अलावा कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए, तो लास्ट में क्या करता है, सेल के अपने ही पार्ट्स को खाने लगता है, और खाते खाते एक टाइम ऐसा आता है कि जो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली या आत्महत्या का बैग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, ये सभी नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन्स इसके अंदर आते हैं बेटा एडिनिन एंड गुआनिन, और दूसरा है पाइरिमिडिन, इसके अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, अब देखिए ये कभी भी जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो आपस में अपोजिट बनाते हैं, एडिनिन हमेशा ही थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ बनाता है। तो यही कारण है कि यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिनिन और साइटोसिन, सॉरी गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो बेटा गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं, जबकि एडिनिन और थाइमिन हमेशा ही डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, कभी हायर क्लासेस में, कि एडिनिन हमेशा ही थाइमिन से बॉन्डिंग बनाता है और गुआनिन हमेशा ही साइटोसिन से बनाता है। इसीलिए गुआनिन हमेशा इक्वल होता है साइटोसिन के, नंबर ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन एंड नंबर ऑफ थाइमिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडिनिन। ओके देन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे आप देख रहे हैं, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहां नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहां पर है ग्रीन एल्गी, यहां पर है रेड एल्गी। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा, हो सकता है बहुत बच्चे इसमें गलत कर देंगे, तो ध्यान देने वाली बात है बेटा कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट ए एल्गी। पहली बात कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, इसका कॉमन नेम है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ये क्या है, ग्रीन एल्गी, ये एकदम एल्गी है, ओरिजिनल एल्गी है, सवाल है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी या फिर रोडोफाइटा या रोडोफाइसी।
अब सीधा से यहां से अब आप क्वेश्चन बना लेंगे और आसानी से कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जब कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं तो सीधी बात है कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का एक प्रजाति है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। इसके आगे अगर बात करते हैं तो एल्गी क्या है, एक प्लांट का प्रजाति है, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों ही। तो इसलिए ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी दोनों में ही क्या होंगे, इन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि ये सभी, ये दोनों अगर बात करें हम लोग, ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, स्टार्च और सुगर क्या है, स्टार्च एंड सुगर आर। अब यहां क्वेश्चन है कि स्टार्च और सुगर क्या होते हैं, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सुगर सिंपल साधारण सा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हम बात करेंगे यहां पे कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टिन इज, पेक्टिन क्या है, पेक्टिन भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो पाया जाता है कहां पे, तो सेल वॉल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में बात करते हैं, तो बीच वाला जो होता है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, या यूं कहते हैं इसको सेकेंडरी वॉल भी बोलते हैं कई बार, तो मिडिल लैमेला या सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है आपका क्या, पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ध्यान देने वाली बात है कि क्या है, हीट कर रहे हैं मिल्क को कितने टेम्परेचर पे, 62.8 डिग्री सेल्सियस, कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। तो पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और उसके बाद अचानक कूल डाउन भी कर देना है हमको कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है 30 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको ठंडा कर देना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है पाश्चराइजेशन, जिसे लुईस पाश्चर ने दिया था पहली बार। अब ध्यान देने वाली बात है कि बाकी सभी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो अमोनिया, अमोनिया को अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। दूसरा है पाश्चराइजेशन। तो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आंसर ये है, बट एक्चुअल में पाश्चराइजेशन होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि 60 डिग्री पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन का जो मेन टेक्निक है, मेन स्टेप है, वो ये है कि 60 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कोई भी टेम्परेचर एक, वहां तक कितना देर के लिए, तो 30 मिनट के लिए गर्म करना है किसी भी चीज को, उसके बाद अचानक, अचानक एकदम सडन कूल डाउन कर देना है इसको। इतना करने एकदम सडन कूल कर देते हैं तो वो क्या होता है, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सभी डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और डीएक्टिवेट होने के कारण क्या होगा कि आप उसकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, कोई भी चीज जो है हमारा वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा आगे। तो बात करते हैं हम लोग आगे। अभी मैंने बताया ये क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग, डीएक्टिवेटेड माइक्रोब्स
एंड लॉन्ग लास्टिंग। ध्यान देंगे आप कि कभी भी जब हम लोग दूध ऐसे रख दें अगर, तो बहुत जल्दी खराब जाता है, लेकिन पाश्चराइज्ड मिल्क आप आसानी से एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 7 दिनों तक रख सकते हैं। जो हमारे आसपास में जो पैकेट वाले दूध आते हैं वो सभी उस पर लिखा रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चरीकृत दूध। इसका मतलब होता है कि वो इस टेक्निक से गुजर चुका है, 60 से 100 डिग्री के सेल्सियस में 30 मिनट तक उसको गर्म किया गया है, उसके बाद सडन कूल डाउन कर दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गया है उसकी उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो डीएक्टिवेटेड हो गया और वो दूध लॉन्ग लास्टिंग हो चुका, बहुत देर तक रहेगा वो दूध, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को हम लोग एलिमिनेट, जैसे कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, अगर मान लीजिए कि दूध के अंदर बहुत माइक्रोब्स हैं, उस माइक्रोब्स को हम स्टेरिलाइज करना है, उसको मतलब एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट हटा देना है या मार देना है, ठीक है। अब हम कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं, यहाँ पर टेक्निक हम ले सकते हैं हीट शॉक, हीट दे सकते हैं, किसी केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेरिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीजिंग बेटा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के माइनस अट्ठारह डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर में किसी भी चीज को स्टोर करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, फ्रीजिंग, शीतलीकरण या फिर शीतलन कहते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैक्टीरियम इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। मानव शरीर के मानव आंत में कौन सी बैक्टीरियम पाई जाती है, तो यहां पर हमारे 4 बैक्टीरियम है अगर आप ध्यान से देखें तो। ये तो बहुत फैमिलियर बैक्टीरियम है जो आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा, विब्रियो कॉलेरी। ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये पाया जाता है गंदे पानी में, ब्रैकिस वाटर बोल सकते हैं जो पाया जाता है, कौन, विब्रियो कॉलेरी। और ये कौन सा बीमारी कॉज करता है, सबको पता होगा, कॉलेरा। कॉलेरा बीमारी जो होता है विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। नेक्स्ट है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये पाया जाता है जनरली कैटल्स के बॉडी के अंदर, मवेशी, गाय भैंस के अंदर पाया जाता है और वहां पे एक कॉज करता है बीमारी जिसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रेक्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सिवड़ी होती है मवेशी को और बुखार तेज होता है जिसके कारण कभी कभी मर भी जाते हैं। नेक्स्ट इस्चेरिचिया कोलाई, यही है बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये जनरली होता है हमारे बॉडी में, हाँ इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है इस्चेरिचिया कोलाई तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन जनरली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कोरिने बैक्टीरियम। ये पाया जाता है कहाँ पे, ये भी गंदगियों में पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी कॉज करता है बच्चों में जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्थेरिया, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है, तो सीधी बात है कि जो फूड में पाया जाएगा या फिर हमारे बॉडी में पाया जाएगा वही फूड को पॉइजनिंग कॉज करेगा। तो यहां पे क्या आंसर, जैंथोमोनास सिट्राई। ये क्या करेगा, ये होता है बेटा सिट्रस कैंकर। जैसे आपने कभी नींबू या नारंगी को देखा होगा ऊपर से काले या फिर पीले धब्बे बन जाते हैं कभी कभी, तो वही होता है बेटा आपका बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस कैंकर। तो ये सिट्रस कैंकर करता है जैंथोमोनास सिट्राई। नेक्स्ट है फ्रेंकिया। देखिए ये जो है ना राइजोबियम, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा राइजोबियम, राइजोबियम का ये छोटा भाई है समझिए, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसका छोटा भाई है फ्रेंकिया। मतलब ये भी क्या करेगा, ये भी करता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। नेक्स्ट इस सिरिचिया कोलाई, अभी मैंने बताया ना ये हमारे बॉडी में पाया जाता है
लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर ये हाइपर एक्टिव हो जाए तो फिर हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा और इसलिए क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग कर देता है हमारे बॉडी में। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला। नेक्स्ट क्या, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये एक डिजीज कॉज करता है, बॉटुलिज्म। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जनरली अपर पार्ट, मतलब ब्रेन या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो भी पार्ट है, इसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिटिक सिंड्रोम्स आने लगते हैं। बॉटुलिज्म में क्या होता है कि ब्रेन आपके स्वेल करने लगेंगे, जिसमें पैरालिसिस सिंड्रोम आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा एकदम सब कुछ ब्लैंक होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉटुलिज्म होता है। तो हमारा आंसर है फूड पॉइजनिंग कौन करेगा, एस्चेरिचिया कोलाई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लावर इज पुष्प क्या है, तो पुष्प तो सर बोलेंगे पुष्प तो पुष्प है, तो ध्यान दीजिए पुष्प क्या है, मॉडिफाइड रूट। भैया रूट कभी फूल बन सकता है, कभी नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें रूट क्या है, मॉडिफाइड रूट की बात करें, मॉडिफाइड रूट हम लोग यूज करते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिस, ये सभी क्या है मॉडिफाइड रूट है। अगर हम बात करें मूली खाए होंगे सभी लोग, कैरेट खाए होंगे, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे लिए मॉडिफाइड रूट है, जो एडिबल पार्ट है। मॉडिफाइड सूट, तो मॉडिफाइड सूट ही मॉडिफाई हो जाता है तो बनाता है आपका फ्लावर, पुष्प। मतलब पुष्प क्या है, एक तरह का रूपांतरित तना है, रूपांतरित परो है। लीफ मॉडिफाई होके क्या बना सकता है, लीफ मॉडिफाई होके टेंड्रिल्स बनाते हैं, टेंड्रिल्स जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है कुछ पौधों में। नॉन ऑफ द अबव, जब हमारा आंसर मिल गया है ये तो नॉन ऑफ द तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए बनाना इज, बनाना क्या है, तो देखिए बनाना एक फल है सब जानते हैं, तो बनाना एक फल है लेकिन फल का कौन सा टाइप है, तो बेटा बनाना जो है वो बेरी टाइप का फल है। अब बात करते हैं कि बेरी कैसा फल होता है, ध्यान दीजिएगा बेरी जो होता है बेटा, बनाना एक बेरी टाइप का फल है और बनाना का ही भाई है ग्वाभा, मतलब ग्वाभा भी इसी कैटेगरी का फल है। इसमें क्या होता है कि फ्लेशी पार्ट्स के अंदर, मान लीजिए फ्लेशी पार्ट जो भी स्वेलिंग पार्ट होगा, जो आपका गुदेदार फल का जो पार्ट है उसके अंदर इम्बेडेड होंगे बीज, बीज का आपको और अंदर नहीं दिखेगा। आप कितना भी अच्छा से अच्छा केला ले आओ और कितने भी अच्छे से अच्छा अमरूद ले आइए, आप बीज को देखेंगे बीच में धंसा हुआ है, कहीं से उसका ये नहीं पता चलेगा कि बीज कहाँ से जुड़ा हुआ है उस पार्ट से, ठीक है। तो ये ग्वाभा जो था फ्लेशी पार्ट के अंदर इम्बेडेड होते हैं आपका कौन सा, सीड्स। तो ये बनाना और ग्वाभा बेरी टाइप का फ्रूट होता है। दूसरा होता है पोम, इसमें क्या होता है बेटा कि थैलेमस जो आपका फ्लावर का बेस पार्ट था वही फूल जाता है पूरी तरह से और सीड को अंदर में ले लेता है, तो थैलेमस बनाता है। और ये इसका कौन सा कैटेगरी है, अगर आप याद करें तो एप्पल, सेब एंड पियर, नाशपाती, ये सभी किस कैटेगरी के फ्रूट हैं, पोम। दूसरा है पेपो, तो पेपो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा पेपो के जो कैटेगरी है वो है आपका, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पूरा ओवरी, ओवरी को मतलब ओवरी पूरा फूलता नहीं है बल्कि इसमें भी जो स्वेलिंग पार्ट होती है, और इसका जो कैटेगरी है वो है आपका ककंबर, ककंबर एंड वाटरमेलन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से इसमें भी जो गुदेदार फल के बीच में धस जाता है आपका वाटर, सॉरी ये बीज, जिसके कारण बनता है पेपो। सबसे लास्ट लोमेंटम, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कौन सा, जो आप जानते हैं ग्राउंड नट, मूंगफली,
एंड टमारिंड इमली, जो कि एक नॉर्मल से लीफ के अंदर दोनों तरह के बहुत सारे बीज आ जाते हैं, जो बाद में ये बीज जो होते हैं सब एक ही होते हैं। जैसे अगर आप ग्राउंड नट को छीरोगे तो उसके अंदर देखोगे कि बहुत सारे बीज होते हैं अंदर में, ये पहले एक ही बीज होते हैं, बाद में टूट करके अलग अलग हो जाते हैं सभी। जब ओरिजिन होता है तो एक ही तरह के दिखते हैं बिल्कुल, इमली में भी और मूंगफली में भी। तो ये आपको समझ, लोमेंटम इसका एग्जाम्पल है, ग्राउंड नट या टैमरिंड, पेपो इसका एग्जाम्पल है, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इसमें इस तरह के कैटेगरी आएंगे। पोम एप्पल और पियर आते हैं, और बेरी में गुआवा एंड बनाना आते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम का बोटेनिकल नेम क्या है? तो बेटा रेड ग्राम कहते किसे हैं पहले, तो इसको बेटा बता अरहर, ठीक है, या फिर इसको बहुत जगहों पर लिखा था पीजन पी, पीजन पी या पीजन ग्राम, अरहर। अरहर के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है? तो अरहर के पौधे को बोटेनिकल नेम बोलते हैं कैजानस कैजान, मतलब हमारा आंसर ए ही सही है। तो ये सब किसका है? तो पाइसम सटाइवम, ये जो होता है सबसे कॉमन पी, एकदम जो गार्डन पी बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल पी को बोलते हैं हम लोग पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है हमारा फैसियोलस रेडियोटस। तो बेटा फैसियोलस रेडियोटस इसको बोलते हैं हम लोग मूंग, मूंग बीन, ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिखेंगे तो मूंग ही लिखा जाएगा आपको, ठीक है। तो मूंग को हम लोग बोलते हैं क्या? फैसियोलस रेडियोटस। नेक्स्ट है गॉसिपियम हर्सुटम। तो गॉसिपियम हर्सुटस जो होता है ये अफ्रीकन कॉटन को बोला गया है, अफ्रीकन कॉटन मतलब कपास, आप बोल सकते हैं कपास को क्या बोलते हैं हम लोग? गॉसिपियम हर्सुटम। मूंगों को क्या बोलते हैं? फैसियोलस रेडियोटस। मटर को क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। अरहर को क्या बोलते हैं? कैजानस कैजान। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इन ह्यूमन मेल द पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही पूछेगा इन ह्यूमन मेल, मन में आएगा टेस्टिस, कि इस तीनों में तो टेस्टिस है। दूसरा आएगा पेयर्ड और ग्लैंड, मारो टेस्टिस आंसर, हाँ बट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, एसेसरी बोला है ना, सहायक मतलब मेन नहीं, लीड नहीं, सहायक ग्रंथि चाहिए उसको, कौन सा चाहिए? सहायक ग्रंथि चाहिए। तो इसलिए हमारा टेस्टिस रॉन्ग, क्योंकि टेस्टिस इज नॉट एसेसरी ग्लैंड, इट इज मेन ग्लैंड, प्राइमरी ग्लैंड, गुनेड्स। तो यहां पे बात करते हैं कि देखिए टेस्टिस जो है क्या है? मेन ग्लैंड है हमारे लिए, तो ये एसेसरी है ही नहीं, ये हमारा नहीं आंसर होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, वन होता है, वास्ट डिफरेंस, कोई ग्लैंड नहीं होता है, ये तो कोई ग्लैंड ही नहीं होता है। तो आपके पास तीन वर्ड है ह्यूमन मेल के अंदर, पेयर्ड फॉर्म में, एसेसरी ग्लैंड के फॉर्म में। तो एसेसरी भी है क्योंकि डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है, ये क्या है? एसेसरी भी है प्लस पेयर भी है और ग्लैंड भी है। तो आप समझ गए कि आंसर हमारा क्या होगा? सेमाइनल वेसाइकल, ना कि टेस्टिस, क्लियर? चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है कैसे? ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाए तो आंसर बदल सकता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। देखिए सर्वाधिक होना का मतलब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना, लेकिन अगर सर्वाधिक दर बोल दिया जाए यहाँ पे कि मैक्सिमम रेट, तो जाके बहुत जल्दी जल्दी होना। तो देखिए अगर जल्दी जल्दी रहता क्वेश्चन तो वहाँ पर आता क्या?
व्हाइट लाइट में सबसे बहुत फास्ट रेट से होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है रेड लाइट, लाल रंग में होता है सबसे ज्यादा प्रकाश की मात्रा। थोड़े देर के लिए भी लाइट, रेड लाइट दे दीजिएगा किसी प्लांट को, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन ग्रीन में होता है सबसे कम, मिनिमम, और ये है आपका मैक्सिमम। लेकिन अगर पूछा जाए हाई रेट या मैक्सिमम रेट से किसमें होता है, अगर होता मैक्सिमम रेट से तो किसमें होता, व्हाइट लाइट। फिर वहां पे लगाते हैं हम लोग वही व्हाइट लाइट जो सातों रंगों का समूह माना जाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, हु हैज गिवन द टर्म विटामिन, विटामिन टर्म किसने दिया। तो देखिए विटामिन टर्म किसने दिया, ये फंक ने दिया था, फुल्क लिखा हुआ है। आप देखिए बेटा ऐसा है ना, साइंस में हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए फुंक ना बोल के इसको फंक पढ़ते हैं हम लोग, फंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लुईस पाश्चर ने क्या दिया था, अभी हमने बताया, थोड़ा देर पहले पढ़ा था अभी हम लोगों ने, क्या पाश्चराइजेशन टेक्निक, पाश्चराइजेशन टेक्निक दिया था, जिसमें क्या करते हैं बहुत तेज गर्म करके बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दिया, लुईस पाश्चर ने दिया। विटामिन टर्म किसने दिया, तो दिया फंक ने। प्रिस्टले ने क्या दिया था बेटा, ऑक्सीजन की खोज इन्होंने ही की थी, ऑक्सीजन की खोज इन्होंने ही बताया था कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका नाम ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन कैसे दिखता है, कैसे मिलेगा, उसके बारे में जो विशेष बताया था उन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने। और फिर बात करते हैं कि जॉन लिस्टर कौन थे, तो जॉन लिस्टर बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले स्टरलाइज टेक्निक दिया था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ऑपरेशनल, जैसे कि सर्जिकल, इसको बोलते हैं हम लोग सर्जिकल स्टेरिलाइज टेक्निक। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई नए ब्लेड, नए टूल्स से अगर हम लोग बॉडी में चीरा लगाते हैं, चीरफाड़ करते हैं, उस पार्ट को, उस बॉडी को, उस ऑर्गन को, उस मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टरलाइज करते हैं। तो ये पहली बार जो स्टरलाइजेशन का जो टेक्निक इन्होंने बताया था वो जॉन लिस्टर ने ही बताया था, कि किसी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो इन्होंने बताया था। तो हमारा विटामिन टर्म किसने दिया, फंक ने दिया। चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या पचाता है। ठीक, तो पेप्सिन क्या पचाता है, पेप्सिन पचाता है आपको प्रोटीन, प्रोटीन पेप्सिन से पचता है। फैट किससे पचता है, लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट किससे पचता है, एमाइलेज। तो आपका सीधा बात है कि क्लियर, नॉन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव सब यहाँ पे अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग एंजाइम्स लगेगा। तो हमारा पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए, कैसा लगा, कैसा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पीएच ऑफ सलाइवाइज, देखिए ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कहीं भी खोजोगे तो इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि पीएच ऑफ सलाइवा जो है वो मतलब एक तरह से वैरी करता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। बट अगर हम बात करें कि सिर्फ सलाइवा का पीएच कैसे होता है, तो देखिए ये पीएच वैरी करता है हमारे कंटेंट पे कि हम लोग क्या खा रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल पीएच की बात करें तो 7 या फिर लेस देन 7 ही होता है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं आपसे इस पोजीशन पे, अगर मेरे मुंह से थूक लेकर के अगर उसका टेस्टिंग किया जाए कि उसमें कितना पीएच है,
तो सात या उससे थोड़ा कम निकलेगा, सात प्रॉपर नहीं निकलेगा। मतलब ये कि पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब स्लाइटली एसिडिक होता है तो सात तो एसिडिक होगा नहीं, आठ तो बेसिक हो गया, साढ़े नौ ये तो और ज्यादा बेसिक हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, साढ़े छह। इसलिए आंसर क्या है हमारा, डी, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है आपके सलाइवा का, आपके सेलेवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले टाइलिन एंजाइम का भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो बेटा मायोग्लोबिन क्या होता है, मसल्स प्रोटीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल प्रोटीन। अब देखिए मसल प्रोटीन इसको बोलते हैं, अब इससे आप पता कर सकते हैं लंग्स में भैया मसल प्रोटीन क्या करेगा, ब्लड में तो अपने ही बहुत ज्यादा सेल्स हैं ही पहले से, तो कहां पे हो जाएगा, मसल्स के अंदर होगा आपका मसल प्रोटीन। क्लियर, तो मसल प्रोटीन कहां पाया जाएगा, मसल्स के अंदर, क्योंकि यहां पे दूसरे कुछ पाए जाते हैं, यहां पे भी और भी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे, अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव, अमाउंट ऑफ ब्लड ध्यान दीजिएगा, मतलब ब्लड का कितना अमाउंट ब्रेन रिकवरी करता है, ब्रेन रिसीव करता पर मिनट, एक मिनट में ब्लड के अंदर, सॉरी ब्रेन के अंदर कितने ब्लड की सप्लाई होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं होती है, 750 ml होती है पर मिनट, 750 ml पर मिनट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल्स आर एब्सेंट इन, वेसल्स जो होते हैं बेटा देखिए वेसल्स क्या है, किसका पार्ट है, अगर आप ध्यान दे तो जाइलम का, जाइलम में होते हैं ट्रैकीड, जाइलम के चार पार्ट होते हैं आपने पढ़ा होगा, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें जो वेसल्स होते हैं वो पूछ रहा है कि कहां पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जाइलम है तो ये चारों होना चाहिए जनरली, एक दो तीन और ये चार, बट पूछ रहा है कि वेसल्स नहीं है, जाइलम पूरा नहीं, सिर्फ वेसल्स के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये टेरिडोफाइटा में भी नहीं पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम टेरिडोफाइटा के साथ जैसे कि जाइलम होता है उसी तरह से फ्लोएम के साथ भी होता है, कॉम्पेनियन सेल भी यहाँ नहीं पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही हमारे आंसर है, तो बोथ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स दोनों में ही नहीं पाया जाता है, कौन, वेसल्स। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज पैरासाइट, कौन सा पौधा पैरासाइट है? तो ध्यान दीजिए बेटा अमरबील सब जानते होंगे, इसका आंसर सबको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है, कस्क्यूटा है। तो भैया ये दोनों क्यों नहीं है, तो बेटा ये टैक्सस और ये गिंको दोनों ही जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, और टैक्सस बहुत ही लंबा पौधा होता है, अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो इसकी एवरेज हाइट जो होती है 10 से 20 मीटर नॉट फिट, मीटर में हाइट बहुत लंबा होता है, और गिंको बहुत ही झाड़ी नुमा टाइप का होता है। तो ये कभी झाड़ी नुमा या बहुत लंबा पौधा किसी और पौधे के ऊपर तो आएगा नहीं। और कस्क्यूटा क्या होता है, लत्ता टाइप का होता है, ठीक है, क्लाइंबर होता है, तो किसी भी पौधे के ऊपर एक जाल सा बिछा लेता है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसके खाने को खुद ग्रहण करने लगता है, मतलब पैरासाइटिक फॉर्म, परजीवी, दूसरे के ऊपर ही वो अब जिंदा रह रहा है, खुद कुछ मेहनत नहीं करेगा, दूसरे से ही खाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, कस्क्यूटा है। ओके, तो आज हमारा 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और अगर आपको और भी अपडेट चाहिए BHU CHS किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 6th, 9th या फिर 11th के लिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां भी आपको बहुत सारे अपडेटेड मिलते रहेंगे BHU CHS एग्जामिनेशन से रिलेटेड। थैंक यू।